वेलकम बैक दोस्तों, आज आपके लिए लेके आया हूँ वन प्लस का ये सबसे सस्ता स्मार्टफोन जो 14,000 रुपए की प्राइस में आता है 464। इस मोबाइल के मैं आज आपको कमाल दमाल हिडन फीचर्स बताने वाला हूँ वन प्लस एन 20 SE। अगर आपके पास में ये स्मार्टफोन है या इसको खरीदने की सोच भी रहे हो ना, तो ये वीडियो ध्यान से देखना। मैं इस मोबाइल के काफी मजेदार फीचर्स और आपके पास में नहीं है तो इसको खरीदना चाहिए या नहीं वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस मोबाइल में आपको कौन कौन से फीचर मिलते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मोबाइल के सेटिंग में जाना है इस मोबाइल को और मजेदार बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने इसमें डार्क मोड ऑन करके रखा है क्योंकि आपको आसानी से दिख जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मिलेगा पर्सनलाइजेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आप वॉलपेपर वगैरह तो चेंज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आइकॉन का ऑप्शन मिल जाता है। आइकॉन के अंदर आने के बाद में जैसे कि आपके स्मार्टफोन में जो भी इंस्टाग्राम व्हाट्सएप डाउनलोड करके रख रखा है उनकी साइज को छोटा कर सकते हो आइकॉन साइज को इस तरीके से, और इधर स्लाइड करके आप इनको बड़ा भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, और इनकी स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो। जैसे ये मटेरियल स्टाइल हो गया जिसमें इस तरीके से स्कोर में दिखाई देगा। फिर यहाँ पर नीचे आने के बाद में बबल, इसमें राउंड सर्कल में, और कस्टम के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप अपने मनपसंद से इनके आइकॉन को चेंज कर सकते हो। जैसे देख सकते हो कितने सारे शेप मिल जाते हैं, तो मुझे ये वाला काफ़ी अच्छा लगा तो यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। अब आपको होम स्क्रीन पर ऐसे आइकॉन मिलेंगे और इसी के अंदर बैक आने पर मिलता है क्विक सेटिंग, इसमें भी सेम ऐसा ही फीचर है। अगर यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो ये जो फ्लैश लाइट ऑन करता हूँ ये हो गया, या फिर ये सभी आपको राउंड सर्कल में दिखाई दे रहे हैं, तो इनके शेप को भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे एक ये हो गया स्क्वायर, अब इसको नीचे करोगे तो ये स्क्वायर डिजाइन में देखने को मिलेंगे आप। जैसे ये आई कॉम्फर्ट हो गया, ये सभी आपको इस तरीके से स्क्वायर में मिलेगा। बैक आने के बाद में यहाँ पर फ्रंट एंड डिस्प्ले साइज मिलता है। अभी आपके स्मार्टफोन में वन प्लस ये वाला हो रखा होगा, इसमें क्या है कि जो भी अक्षर वगैरह लिखे हुए रहते हैं उनकी साइज काफी पतली रहती है, लेकिन रोबोट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर थोड़े बोल्ड टेक्स्ट दिखाई देंगे, और इनकी साइज को बड़ा करना चाहते हो तो इधर स्लाइड करोगे तो इनकी साइज बड़ी हो जाएगी, और यहाँ पर डिस्प्ले साइज करके इनके फ्रंट को भी चेंज कर सकते हो, फिर अप्लाई कर देना है। इस मोबाइल में बहुत सारी कस्टमाइजेशन मिल जाती है स्क्रीन ऑन ऑफ गेस्चर को लेकर। जैसे कि आपको मोबाइल को और मजेदार बनाने के लिए मोबाइल की सेटिंग में जाना है, यहाँ पर आपको नीचे आने के बाद में मिलेगा स्पेशल फीचर, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर देखने को मिलता है गेस्चर एंड मोशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में गाइज यहाँ पर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा स्क्रीन ऑफ गेस्चर, इसके ऊपर क्लिक करना है। आप डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन, इसको अगर ऑन कर देते हो फिर गो इट कर देना है। अब क्या होगा गाइज, यहाँ पर आपके स्मार्टफोन लॉक है और आप जैसे ही डबल टैप करोगे तो इसमें लाइट ऑन हो जाएगी। तो इसी तरीके से लॉक स्क्रीन में आप और भी कस्टमाइजेशन कर सकते हो, जैसे ड्रो ओ टू ओपन कैमरा, इसको ऑन कर देता हूँ, और फिर नीचे आने के बाद में वी टू टर्न ऑन फ्लैश लाइट, और यहाँ पर म्यूजिक कंट्रोल को भी आप सेट कर सकते हो डायरेक्टली लॉक स्क्रीन से। तो अब मैं स्मार्टफोन को लॉक कर देता हूँ। अब यहाँ पर ओ टैप करता हूँ, इस तरीके से अगर आप ओ बनाते हो, एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ, देखिएगा गाइज ओ बनाते ही यहाँ पर कैमरा ओपन हो चुका है। और इसी तरीके से आप लॉक स्क्रीन में वी टैप करते हो तो आपके स्मार्टफोन की फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। और इसी के अंदर स्क्रीन ऑफ गेस्चर के अंदर आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे यहाँ पर W है, अगर आप W के अंदर कोई दूसरा ऐप ओपन करना चाहते हो तो इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आप कॉल कर सकते हो ओपन ऐप के ऊपर जाकर, जो भी ऐप आप ज़्यादा यूज़ करते हो, जैसे YouTube हो गया, मैं YouTube को सिलेक्ट कर देता हूँ, फिर यहाँ पर W को ऑन कर देता हूँ। इसी तरीके से आप यहाँ पर बहुत सारे ऐप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने एक ये किया, अब स्मार्टफोन लॉक है और मैं यहाँ पर W टैप करता हूँ तो इसमें देखोगे आप फटाफट से YouTube ओपन हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस मोबाइल की डिजाइन तो अच्छी मिल जाती है, लेकिन कमी है वो है इसमें प्रोसेसर की। इसमें आपको काफी ज्यादा हल्का प्रोसेसर मिलता है, यानी कि जो 7,000 से 8,000 रुपए के स्मार्टफोन में प्रोसेसर मिलता है MediaTek Helio G35, वो इसमें देखने को मिलेगा। और उसका नुकसान क्या है कि मोबाइल को जब भी यूज करते हो तो थोड़ा लैगिंग वगैरह या फिर मोबाइल स्लो चलता है। तो अगर आपके पास में ये स्मार्टफोन है और इसको फास्ट यूज करना चाहते हो तो होम स्क्रीन पर टैप करके रखिएगा। उससे पहले मैं बता देता हूँ, जैसे मैं कोई भी ऐप ओपन करता हूँ तो यहाँ पर ये लोगो आता है, फिर कुछ वक्त लगता है, इस तरीके से देख सकते हो थोड़ा ओपन होने में टाइम लग रहा है। तो इसको फास्ट यूज करने के लिए होम स्क्रीन पर जाना है, यहाँ पर मोर के अंदर जाना है, फिर नीचे आने के बाद में ऐप एनिमेशन स्पीड मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको फास्ट के ऊपर कर देना है। अब फास्ट होने के बाद में आपका स्मार्टफोन पहले से ज्यादा फास्ट यूज होने लग जाएगा, जैसे कोई लोगो नहीं आया और ये फटाफट से ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से आपको ये फास्ट ऐप ओपन होते हुए दिखाई देंगे। अब बात करते हैं सिक्योरिटी की, यानी कि कोई भी ऐप हाइड करना चाहते हो या ऐप के ऊपर लॉक लगाना चाहते हो, जैसे व्हाट्सएप के ऊपर लॉक लगाना
या फिर कोई ऐप हाइड, फोटो हाइड करना चाहते हो तो मोबाइल के सेटिंग में जाना है आपको, फिर नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आपको प्राइवेसी मिलेगा। प्राइवेसी के अंदर आने के बाद में देख सकते हो ऐप लॉक, ए हाइड ऐप और प्राइवेट ऐप। तो अपन को कोई भी हाइड ऐप करना है तो इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, फिर सेटअप करना है, फिर यहाँ पर आपको एक पासवर्ड सेट कर देना है जो आपको इस ऐप लॉक के ऊपर देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर आप फिंगरप्रिंट सेंसर या फिर कोई पैटर्न वगैरह भी कर सकते हो, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर मैं पैटर्न सेलेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर एक बार एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ये पैटर्न सेट करके दिखा देता हूँ। गाइज इसमें आपको एक क्वेश्चन का ऐसा आंसर देना होगा, अगर आप ये पैटर्न भूल जाओ तो कुछ इस क्वेश्चन का आंसर देकर लॉक को फॉरगेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल पर कुछ भी सेट कर देता हूँ, फिर स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर सेटअप के अंदर जाना है, इस तरीके से देखिएगा आपके सामने ये वाली एप्स की लिस्ट आ जाएगी, जो भी ऐप आप हाइड करना चाहते हो, असिस्टेंट हो गया, फिर यहाँ पर असिस्टेंट हो गया, फिर सेटिंग में अंदर जाना है आपको। इसके अंदर जाने के बाद में यहाँ पर कुछ कोड्स लगाने हैं, यानी ऐप हाइड होने के बाद में कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो पहले हच होना चाहिए, फिर आपको चार अंक कोई भी लगा सकते हो, फिर लास्ट में भी हच होना चाहिए, फिर आपको यहाँ पर राइट के ऊपर क्लिक कर देना है, अब डन कर देना है। अब इसके अंदर जैसे कि मैं असिस्टेंट या फिर क्रोम ब्राउजर को हाइड कर देता हूँ, अब मुझे यहाँ पर होम स्क्रीन पर तो ये हाइड होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन ये मुझे ऐप मिलेंगे कहाँ हाइड होने के बाद में। तो आपको डायलर के अंदर जाना है और वो कोड लगा देना है जो आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया था, हैच और चार अंक, फिर हैच। अब देख सकते हो आप जो मैंने ऐप हाइड किया था वो आपके सामने ऐसे यहाँ पर आ जाएंगे। और इसी के अंदर आपको अगर फोटो वगैरह या फिर प्राइवेट से ऐप या ऐप लॉक करना है तो ऐप लॉक के ऊपर क्लिक कीजिएगा और जो आपने पासवर्ड सेट किया था उससे अनलॉक करके और फिर इसको यहाँ से ऑन कर देना है। अब जो भी ऐप लॉक करना चाहते हो उसको यहाँ से ऑन कर दीजिएगा। फिर जैसे कि मैं यहाँ पर क्रोम, सॉरी गाइज, यहाँ पर नीचे आने के बाद मैं प्ले स्टोर को लॉक लगा देता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हो प्ले स्टोर के ऊपर लॉक लग जाएगा, तो मैं जब भी इसको क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पर पासवर्ड से लॉक ओपन करना होगा। इस मोबाइल के कैमरा की सेटिंग भी बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर इसकी प्राइस है 14,000 रुपये और उसमें कौन कौन से मोड्स मिलते हैं कैमरा के अंदर। तो यहाँ पर कैमरा को ओपन करते हैं और वीडियो, वीडियो क्वालिटी में आप इसमें कितनी FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हो ये जानने के लिए हम सेटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको नीचे आना है। वीडियो रेजोल्यूशन पर क्लिक करना है तो इसमें आप 1080p 30fps में हाईएस्ट वीडियो शूट कर सकते हो। और इसमें फोटो, पोर्ट्रेट कैमरा भी मिल जाता है जिसमें फिल्टर वगैरह मिल जाएंगे, तो आप इसमें फिल्टर वगैरह चेंज करके भी पोर्ट्रेट में DSLR वाली फोटो क्लिक कर सकते हो। तो ज्यादा कोई मोड्स देखने को नहीं मिलते, नॉर्मली मोड्स आपको इसके कैमरा में देखने को मिलेंगे। ये मोबाइल आता है 14,000 रुपये के अंदर, 4GB रैम वेरिएंट के अंदर आता है। इसमें आप 4GB रैम के अंदर रैम एक्सटेंड भी कर सकते हो। अबाउट डिवाइस के ऊपर जाना है, यहाँ पर आपको रैम मिलेगी, तो रैम के ऊपर क्लिक करके इस तरीके से स्लाइड करके 4GB रैम एक्सटेंड कर सकते हो, यानी 8GB रैम के ऊपर ये यूज होगा। इसको ऑन करने के बाद में आपका मोबाइल थोड़ा और फास्ट चलेगा। दोस्तों इस मोबाइल में आपको जो ये नीचे की साइड में बटन देखने को मिलते हैं, ये जो बैक वाला बटन है राइट साइड में, इसको लेफ्ट में करना चाहते हो या फिर इन बटन को बिल्कुल हटाना चाहते हो तो आपको जाना है मोबाइल की सेटिंग में। फिर यहाँ पर नीचे आने के बाद में देखने को मिलेगा सिस्टम सेटिंग, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, सिस्टम नेविगेशन के ऊपर क्लिक करना है। अब इस बैक बटन को लेफ्ट में लेना चाहते हो तो इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, बैक बटन इधर आ चुका है। और इसको बटन को हटाकर आईफोन की तरह करना चाहते हो तो गेस्चर के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। अब देख सकते हो ये बटन हट चुके हैं, आपको बैक आना है तो इधर से स्लाइड करके बैक आ सकते हो, इधर से स्लाइड करके बैक आ सकते हो, और होम स्क्रीन पर जाना है तो नीचे से स्लाइड ऊपर की तरफ करना होगा। दोस्तों आपने देखा होगा कि जैसे बाकी स्मार्टफोन में डबल टैप करते ही लॉक हो जाता है, डबल टैप करते ही ऑन हो जाता है, तो ऐसा इस मोबाइल में भी कर सकते हो, जिसके लिए मोबाइल की सेटिंग में जाना है। यहाँ पर आपको नीचे आने के बाद में होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर डबल टैप टू लॉक देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, जिसको ऑन कर देना है। और नीचे आने के बाद में मिलेगा डबल टैप टू वेक ऑफ टर्न ऑफ स्क्रीन, इसको भी ऑन कर देना है। और एक ऑप्शन मिलता है राइज टू बैक, इसको ऑन करने के बाद में अब मैं आपको दिखा देता हूँ, डबल टैप करते ही लॉक हो गया, डबल टैप करते ही ऑन हो गया। और जैसे अपना स्मार्टफोन कुछ इस तरीके से लाइट ऑफ में टेबल पर रखा हुआ है और अपन कोई बिना बटन दबाए लाइट ऑन करना चाहते हैं तो इस तरीके से स्लाइड करोगे तो इसकी लाइट ऑन हो जाएगी। इस मोबाइल को अगर आप एक हाथ से यूज कर रहे हो और यहाँ पर कोई ऊपर वाले ऐप्स ओपन करने हैं आपको, तो इस तरीके से नीचे से स्लाइड करोगे तो ऐप्स नीचे आ जाएंगे और फिर यहाँ से डायरेक्टली आप ओपन कर सकते हो। तो ये आपको करने के लिए बस ऑन करना है एक सेटिंग, जिसके लिए होम स्क्रीन पर टैप करके रखना है, फिर यहाँ पर आपको जाना है मोर सेटिंग के अंदर, इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर आइकॉन पुल डाउन गेस्चर मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। और इसको यहाँ से ऑन करने के बाद में यहाँ पर देख सकते हो ऑन कर दिया मैंने। अब कोई भी ऐप ओपन करना है तो इस तरीके से नीचे से स्लाइड करना है और ऐप्स वगैरह नीचे आ जाएंगे और आप डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर सकते हो। अब आपको मैं कॉलिंग की सेटिंग बता देता हूँ। इस मोबाइल में आप किसी को ब्लैक लिस्ट में डालना चाहते हो तो आपको 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है, सेटिंग में जाना है, यहाँ पर मिलेगा आपको ब्लॉक एंड फिल्टर, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब किसी का भी नंबर ब्लॉक लिस्ट में डालना चाहते हो तो इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा,
फिर अलाउ कर देना है। यहाँ पर आपको प्लस के आइकॉन के ऊपर क्लिक करके फिर उसका या तो नंबर इंटर कर दीजिएगा या फिर यहाँ पर सेलेक्ट नंबर करके उसको ब्लॉक कर सकते हो। और आपको जब उसको ब्लॉक कर देते हो तो उसका कॉल कब कब आता है ये जानने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा ब्लॉक कॉल्स के अंदर। इसके बाद में यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि ब्लॉकिंग कॉल जिसका नंबर ब्लॉक कर रखा है और उसका नोटिफिकेशन आना चाहिए तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ ब्लॉक एंड फिल्टर के ऊपर क्लिक करना है और नोटिफिकेशन फॉर ब्लॉक कॉल शो ऑल कर देना है। और इसके ऊपर शो ऑल करोगे तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि उसका कॉल आ रहा है। और अगर हाइड करना चाहते हो तो यहाँ से हाइड भी कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर आपको बैक आना है। बैक आने के बाद में इनकमिंग कॉल स्टाइल मिलता है। तो आपने देखा होगा जब भी आप कोई ऐप यूज कर रहे हो तो उसके अंदर अगर आप चाहते हो कि पूरी स्क्रीन के ऊपर इनकमिंग कॉल आना चाहिए तो फुल स्क्रीन कर दीजिएगा और इस तरीके से पॉपअप यानी बैनर के अंदर आना चाहिए यहाँ पर इतना सा ही कॉल, क्योंकि बाकी चीज में आप जो डिस्टर्ब ना हो तो बैनर के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद में आंसर एंड कॉल का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो ऑटो आंसर। अगर आप मोबाइल के ऊपर कहीं पर जो ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट करके या एयरफोन कनेक्ट करके बाइक पर चल रहे हो और आपको किसी का कॉल आ जाता है तो यहाँ पर देख सकते हो 5 सेकंड के अंदर कॉल अपने आप अटेंड हो जाएगा और आपने जो ब्लूटूथ कनेक्ट कर रखी है उसके अंदर बात कर पाओगे, आपको कोई भी बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल, जब भी किसी का कॉल आ रहा है और आपको कॉल कट करना है तो बस ये वाला बटन दबा देना है और कॉल कट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे इस स्मार्टफोन के टिप्स एंड ट्रिक्स। अब मैं आपको बता देता हूँ इसकी प्राइस है 14,000 रुपये। आपको देखने में लुक्स वगैरह में तो सही लग जाएगा और इसकी डिजाइन भी काफी अच्छी है। इसके बाद में अगर कैमरा की बात करूँ तो यहाँ पर एवरेज फोटो देखने को मिल जाएगी, लेकिन इसमें आप गेमिंग वगैरह खरीदने के लिए गेमिंग वगैरह करने के लिए इस मोबाइल को खरीद रहे हो तो आपके लिए ये स्मार्टफोन नहीं है, क्योंकि इसमें प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा है जो लो क्वालिटी का मिलता है। और अभी ये स्मार्टफोन इंडिया में ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉन्च नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पर इसमें सर्विसेज वारंटी के अंदर सर्विस सेंटर पर भी प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप इसमें गारंटी या वारंटी के अंदर इसमें रिपेयर कराते हो। और दोस्तों मैंने आपको इस मोबाइल के सारे फीचर्स बता दिए हैं, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।